इनको बैठे हुए आगे आ जाइए, आ जाओ, वाह माशाल्लाह, आ जाइए सब आदमी उठ के आ जाइए। सुनिए बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, दोनों हाथों को हवा में उठा कर कहिए सुभान अल्लाह। बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, नजरों में मुस्तफा की गली थी अभी अभी, मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राईल, मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राईल, इसकी ज़बान पे नादे नबी थी अभी अभी। अभी आपके दरमियान थे आलिम रिज़वान हैदर साहब, जो प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नजराना अकीदत का गुलदस्ता पेश कर रहे थे, और हम सब के सीने में इश्क़े रसूल के चिंगारी को रोशन से रोशन कर कर रहे थे। इसी दरमियान मेरी ज़बान को दिल का यह पैगाम आया, जिधर देखो नबुव्वत की चमक महसूस होती है। सुनिए रिज़वान भाई, बोलिए आप सुभान अल्लाह, जिधर देखो नबुव्वत की चमक महसूस होती है, नबी के पाक कदमों की धमक महसूस होती है, मदीने की हवा एक रोज मुझको छू के क्या गुजरी, मदीने की हवा एक रोज मुझको छू के क्या गुजरी, अभी तक लोग के अंदर महक महसूस होती है। वही आप लोग मचल के सुभान अल्लाह, ये आपके दयाल का, आपके इलाके का, आपके गांव और आपके बस्ती के लाड़ और सबूत है तारे रिजवान हैदर साहब। अल्लाह के रसूल के शान में खूबसूरत और तरहम भरी आवाज में नाते नबी गुनगुना रहे थे। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि इनकी मेहनत जारी और सारी रहे, तो ये भी एक दिन जिनको जहद करते करते, मेहनत कोशिश करते करते, इंशाअल्लाह आपके इस इलाके का, आपके इस बस्ती का नाम रोशन करेंगे। आइए दोस्तों, मुझे एक शेर याद आता है, सुनेंगे तो कहिए सुभान अल्लाह। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। दिल्ली के अंदर जो बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ, और NRC, NPR, CAA मौजूदा हुकूमत और जो इस वक्त के हुक्मरान है, वो ताकत और हुकूमत के नशे में ये चाहता है कि ये पूरा हिंदुस्तान हमारा है, हम जैसा चाहेंगे करेंगे। लेकिन शेर सुने, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। कही सुभान अल्लाह, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जब ये बात मुरादाबाद तक पहुंची, हाशिम कुद्दूसी ने कहा, रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। इस बार लॉ रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है, क्या गाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है, नबी के नाम लेवर है नबी पर जान दे देंगे, नबी के नाम लेवर है नबी पर जान दे देंगे, नबी की जान से बनकर हमारी जान थोड़ी है, नबी के नाम लेवर है नबी पर जान दे देंगे, नबी की जान से बनकर हमारी जान थोड़ी है। कसम खुदा के मेरे शेर पर वह शख्स बोले जो मर्द हो, बोलिए आप लोग सुभान अल्लाह। जब ये बात पहुंचती है उरुसुल बलाद महाराष्ट्र का मालेगांव फरहान दिल तक, मुझे याद आता है तारिक निजाम हैदर साहब, जमाने में जिसे कागज कलम दोनों मयस्सर हो, जमाने में जिसे कागज कलम दोनों मयस्सर हो, कागज कलम से काम ले ले ऐसा थोड़ी है, खुदा तौफीक देता है उलब हरकत में आते हैं, खुदा तौफीक देता है उलब हरकत में आते हैं, कोई भी मुस्तफा का नाम ले ले ऐसा थोड़ी है, खुदा तौफीक देता है उलब हरकत में आते हैं, कोई भी मुस्तफा का नाम ले ले ऐसा थोड़ी है। जब ये बात उत्तर प्रदेश की सरजमीन दयाल शिबली का है नाता जिसे खैराबाद कहते हैं वहां तक पहुंचती है, मुझे याद आता है अब्दुल आलिम अंसारी ने कहा, सभी का अर्श के तख्ती पे नाम थोड़ी है, कहिए सुभान अल्लाह, सभी का अर्श के तख्ती पे नाम थोड़ी है, मेरे नबी का कोई हम मकाम थोड़ी है, सहाबा जितने भी सब सहाबगी के पायल में अबू लहब की तरह ताम छाम थोड़ी है, सहाबा जितने भी
سب سادگی کے پائے نہیں ابو لہب کی طرح تام جھام تھوڑی ہے میرے دوستو حالات حاضرہ کو ذہن میں رکھے دلی کے بڑا دردناک حادثہ کو اپنی نظروں میں رکھے اور یہ شعر بھی سنیں کیوں جلاتے ہو گھر غریبوں کو کانپے گی زمین تو پھر کیا ہوگا کیوں جلاتے ہو گھر غریبوں کو کانپے گی زمین تو پھر کیا ہوگا کیوں جلاتے ہو گھر غریبوں کو کانپے گی زمین تو پھر کیا ہوگا بن کے فرعون بھوک مت رونا موسیٰ ہم بن گئے تو کیا ہوگا بن کے فرعون بھوک مت رونا موسیٰ ہم بن گئے تو کیا ہوگا دوستو جامعہ ساتھ امام خطیب اس وقت اسٹیج پر